ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट्स पे, ये क्वेश्चन बोल रहा है 5% ऑफ द पैसेंजर्स हु बोर्डेड गुवाहाटी न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ऑन 20 फरवरी 2002 डू नॉट लाइक कॉफी टी एंड आइसक्रीम। 5% डू नॉट लाइक कॉफी टी एंड आइसक्रीम एंड 10% लाइक ऑल द थ्री। 20% लाइक कॉफी एंड टी, 25% लाइक आइसक्रीम एंड कॉफी एंड 25% लाइक आइसक्रीम एंड टी। 55% लाइक कॉफी, 50% लाइक टी एंड 50% लाइक आइसक्रीम। तो ऐसे इस सम को हम यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम से जब भी आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन के लास्ट पार्ट से स्टार्ट करें। तो इसमें तीन सेट होगा, एक कॉफ़ी पीने वाला, एक टी पीने वाला और एक आइसक्रीम खाने वाला। तो तीन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका वेन डायग्राम इस ढंग से बनाएंगे। ये सपोज कर लेते हैं, ये है आपका कॉफ़ी पीने वाला, और कॉफ़ी पीने वाला यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है 55% लाइक कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का दिया हुआ है आपका 55%। दूसरा सेट है वो है आपका ये टी, और टी पीने वाला यहाँ पर देखिए 50% लाइक टी, ये हो गया 50%, एंड 50% लाइक आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए ये सेट हो गया आपका, आइसक्रीम का ये हो गया आइस क्रीम, और इसका परसेंटेज दिया हुआ है 50%, ये है 50%। अब देखिए ये लास्ट पार्ट हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 10% लाइक ऑल द थ्री। तो ऑल द थ्री जो लाइक करता है उसका प्लेस कौन सा है, ये है जो तीनों में कॉमन है, ये पोर्शन 10% है। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए आगे जब बढ़ते हैं, एंड ये दिया हुआ है 20% लाइक कॉफ़ी एंड टी, 20% कॉफ़ी और टी, उसमें से 10 आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो बचा कितना 10%। 25% लाइक आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, आइसक्रीम और कॉफ़ी कौन है, ये आइसक्रीम है ये कॉफ़ी, और इसका परसेंटेज है 25, उसमें से 10 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये बचा 15। अब देखिए यहाँ पर एंड 25% लाइक आइसक्रीम एंड टी कौन सा है, आइसक्रीम एंड टी ये है, उसका है 25%, 25% में 10 ऑलरेडी दे चुके हैं तो ये बचा कितना 15। अब देखिए ये जो पोर्शन आपका बचा ये है आपका ओनली कॉफ़ी। टोटल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं ये देखिए, 55% लाइक कॉफ़ी, ये 55% है, उसमें से ओनली कॉफ़ी पीने वाले से 10 ये 10 और 15, 20 प्लस 15 35 दैट इज ये हो गया कितना 20। ये 20% ओनली कॉफ़ी पी रहे हैं। उसके बाद ओनली टी को हम लोग निकालते हैं, ये है आपका ओनली टी, ये पोर्शन ओनली टी। टी पीने वाले कितने हैं 50 में से आपका ये माइनस चला जाएगा, 10 प्लस 10 20 प्लस 35 तो ये बच गया कितना 15%।
ये ओनली टी वाले हैं और ये हैं ओनली आइसक्रीम। तो ओनली आइसक्रीम के लिए अब देखिए ओनली आइसक्रीम वाले 50% हैं तो इसमें से माइनस होगा 15 + 10 = 25 और प्लस 15 = 40 यानी ये बचा कितना परसेंट 10% जो है ओनली आइसक्रीम। तो यहाँ पर हमको मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक ओनली कॉफ़ी इज ग्रेटर देन द पैसेंजर्स हु लाइक ओनली आइसक्रीम। तो ओनली आइसक्रीम वाले ये 10 हैं और ओनली कॉफ़ी वाले आपका ये है 20। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? तो डिफरेंस हो गया आपका 20 - 10 दैट इज 10 और इसका परसेंटेज निकालना है। डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है तो डिफरेंस का परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिफरेंस बाय जिससे कंपेयर करना है आइसक्रीम वाले से कंपेयर करना है 10 / 10 × 100 दैट इज 100%। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक बोथ टी एंड आइसक्रीम बट नॉट कॉफ़ी। टी एंड आइसक्रीम का ये 25% है जिसमें से 10 जो है तीनों में है तो इसका मतलब ऑन बट नॉट कॉफ़ी जो है ये 15% वाला पोर्शन आ गया। ये टी भी और आइसक्रीम भी दोनों में ये कॉमन है बट इसका कॉफ़ी से कोई लेना देना नहीं है। सो इसका परसेंटेज जो हो जाएगा वो हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी who like tea and ice cream but not coffee but not tea and ice cream but not coffee ये 15% ये है ये पोर्शन। तो as per Venn diagram required percentage is 15%। Next, third part इस question का बोलता है the percentage of passengers who like at least two of the three products। यहाँ तीन product हैं उसमें से at least दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम दो होना चाहिए। तो कम से कम दो वाले ये हैं और ये एटलीस्ट टू ये तीनों और उसके बाद ये दो से ज़्यादा यानी तीन वाला। तो टोटल परसेंटेज पैसेंजर्स हु लाइक At least two of the three products is as per Venn diagram। ये total हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 15 + 15 ये दैट इज हाउ मच 50% दैट इज योर आंसर।